इस सब के बीच बीजेपी के खेमे में जो हलचल है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। वीरेश हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, सवाल यहां पर ये उठता है कि नीतीश की सियासत की मजबूरी तो समझ में आती है, किस तरीके से कुर्सी पर बने रहना है, इसीलिए नीतीश वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए क्या मजबूरी, बीजेपी क्यों नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल रही है? वीरेश पांडे, इनकी मजबूरी यह है कि ये भी सत्ता में आ सकें, नीतीश कुमार के जरिए आ सकें, सत्ता में बने रहें, आरजेडी को दूर कर सकें। बताइए प्रवक्ता जी, ये 17 साल मीडिया प्रभारी रहे और प्रदेश प्रवक्ता है राकेश सिंह जी, आपकी क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार से आप लोग इतना दूर भाग रहे थे कि इस बार तो तय है कि नीतीश कुमार के पास हम जाएंगे ही नहीं, अब ऐसा खेला क्या हो गया? देखिए, खेला तो हो रहा है, खेला तो हो रहा है। और आज हमारे यहाँ 4 बजे से विधायक दल की बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, और परसों दिल्ली में बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, विनोद तावड़े जी, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, ये सब लोग बुलाया गया था, सुशील मोदी जी, और आज यहाँ बैठक है और 24 की तैयारी है। खेल तो आगे होना है और 24 में प्रचंड बहुमत की सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना है। बिहार में बिना सत्ता के रह नहीं सकते और सत्ता के लिए नीतीश जरूरी है, और बिहार में भी एक ईमानदार सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदार तो कौन करेगा? नेतृत्व तो करेगा, नेतृत्व तो समय बताएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा और प्रांतीय नेतृत्व तय करके बताएगा कि नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, एक से एक लोग हैं राज्य और देश को चलाने वाले लोग, या तो बूथ के अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनते हैं। इस पार्टी में नेताओं की कमी, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए बिहार में आप लोग सत्ता के लिए इतना आतुर क्यों हैं? तोड़ फोड़, इधर उधर, खेला खेली। हम आतुर नहीं है, हम सत्ता के लिए आतुर नहीं है, प्रदेश को बचाने के लिए ना। देखिये, जंगल राज है, जंगल राज से बचाने के लिए नीतीश कुमार के साथ जाना है ना, यही ना? देखिए, देश में स्थिर सरकार है, 24 में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनानी है। तेजस्वी का मामला ठीक नहीं लग रहा है, मतलब मुख्यमंत्री तो ठीक काम कर रहे हैं। मैं लौटूंगी वीरेश, मैं लौटूंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।